चूल्हे का टूटे टायर ढीले करवाओ थोड़ा बेटा, बॉडी दोनों साइड लगा ले। नीचे लगाने के बाद भी डंडा ये क्रैक है ऊपर से, चलो इसे कर लेंगे मिड वेल्डिंग। ड्राइवर साहब इसे काम कराए, साल भर हो गया तभी काम ऐसा निकला सारा टूटा हुआ। हाँ इसे कर अंदर, अंदर ले। चल आंदे आंदे, थोड़ी परे को रख, परे को आंदे, सही जा रही, थोड़ी परे को रख हल्की सी। चल 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 चल, सही जा रही सही जा रही, बस बंद कर दे। झूले का टूटे टायर ढीले करवाओ फटाफट, बॉडी दोनों साइड लगा ले, डंडा भी खोल लें, कमानी भी खुल जाएगी बाद में। डंडा इतो करेक्ट है, चलो हैं टायर वाला दोनों साइड से आ जाएंगे, जहां मर्जी ले लो सपोर्ट। ये भी सपोर्ट टूटे भी है, लोड का काम नहीं। चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई हो बढ़िया ही हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है ट्रेलर टाटा का और इसमें दिक्कत क्या है सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ये जो एक्सल है जो टायर खुलवा रखे हैं ये मतलब क्रैक है ऊपर से नीचे तक, और इधर ये जो झूले हैं दोनों दोस्तों ये भी मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं लापरवाही का नतीजा, और इसके झूले भी मतलब आगे से फटे हुए हैं, मतलब जो सपोर्ट होती है ना कमानी की और वो मतलब क्रैक है, तो दिखाऊंगा आपको। और ये आप देखना जो एक्सल खोलेंगे ये भी क्रैक निकला, मतलब इस कमानी का एक कमानी का पट्टा भी टूटा हुआ है, मतलब कि मतलब ना ये लापरवाही का नतीजा ये कह सकते हैं कि देखो इतने टाइम बाद आप भी अगर सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, मैं खुद सुन के हैरान हो गया। आगे बताऊंगा आपको, आगे खुद ही सुनना आप कि ड्राइवर साहब ने क्या बताया है, वो आप खुद ही सुनोगे। पहले दोस्तों आप ये देखिए चक्के की हालत देखिए, पहले आप हब की ये जो चक्का इसकी हालत देख के खुद ही आप हिसाब लगा लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ड्राइवर क्या बताएगा देख लो। मतलब ग्रीस की जगह मिट्टी इतनी हो रही है, मतलब ये देखो आप, मैं देखकर भी हैरान रह गया, मतलब यार इतनी बड़ी लापरवाही, पता नहीं आदमी कैसे काम करते हैं, ड्राइवर साहब हैं या मालिक है, बस गाड़ी भरनी है, खाली करनी है, खाली करनी है, भरनी है, ठीक है सारे काम होने चाहिए, लेकिन देखो एक दिन काम का भी निकालो, मतलब गाड़ी के लिए जो आपको कमा कर दे रही है आपकी रोज़ी रोटी है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप कमाओ ना, ये भी रोक के रखो गाड़ी को, मैं ये नहीं कह रहा, आप काम कराओ, सिर्फ एक दिन निकालना है यार, बाकी सारा दिन इस बेचारी से कमाना ही है आप गाड़ी से, क्यों दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, क्योंकि देखो काम बहुत ज़रूरी है, जिसने आपको मतलब गाड़ी में माल भी लोड होना है सारा काम है। तो दोस्तों हुआ क्या मैं अब बताता हूँ आपको, तो सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ सब कुछ आपको, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों मैं बता रहा था जो सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, मतलब इसमें ना सारी चीज़ दोस्तों मतलब ऐसी बिगड़ी हुई हालत में है, दोनों झूले कटे हुए, पिछला एक्सल है वो उसका ऐसा ख़त्म, मतलब ख़त्म का मतलब ये है कि ऊपर से क्रैक, नीचे पत्ती लगी हुई है दोस्तों,
पत्ती भी गुल्ले से लेके गुल्ले तक लगी हुई है। आपको सब काम दिखाऊंगा आगे, आप बने रहिए चैनल पर। वो पत्ती लगने के बाद भी वो आगे से लेके पीछे तक पूरा ऊपर से क्रैक हुआ हुआ है, और दोनों चक्के ऐसे बिल्कुल एमरी, ग्रीस भी नहीं है, मतलब मिट्टी मिट्टी दिख रही थी दोनों चक्कों में, आपने देखा अभी। और इस कमानी का एक का पट्टा भी टूटा हुआ है, झूले भी दोनों साइड के मतलब फटे हुए हैं एक साइड से। तो देखो दोस्तों, ये इतना काम इकट्ठा होना, मैं तो समझता हूँ मतलब कोई समझदारी वाला काम है। आप भाइयों के पास भी गाड़ी हैं, कोई मेरे मिस्त्री भाई, कोई भी मेरे से ट्रक से रिलेटेड जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो गाड़ी रखो, शौक से रखो यार। मतलब तो मैंने ड्राइवर से भी बात की, ड्राइवर साहब कह रहे कि मालिक साहब की वजह से हम तो कह रहे थे 6 महीने से कि काम करवा लो। तो देखो अब किसको क्या कह सकते हैं, उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता, आप सब भाइयों को सब कुछ पता है क्या नहीं। चलो ठीक है, जैसा भी है, अब तो गाड़ी आई है, इसका काम तो मुझे करना ही है, कोई बात नहीं। और इसके चक्के भी ग्रीस होंगे, डंडा भी वेल्डिंग करना है, झूले भी खोलेंगे, और कमानी का पट्टा भी है। तो बने रहिए आगे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, सारा काम तसल्ली से करेंगे इनका भाई का। और तो फिलहाल तो हम डंडा खोल रहे हैं। और दोस्तों आज मतलब सारा काम ना इस गाड़ी में ऐसा ही हुआ, गाड़ी का काम भी और विपिन के भी यार चोट लग गई, मतलब आज आपको देखना एंड में, मतलब इसके भी चोट क्या, बस अनजाने अनजाने में हो जाता है काम करते करते, इसके भी हाथ पे चोट लग गई। अभी नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा खुद, जब हम फिटिंग करेंगे ना उस टाइम आपको पता लगेगा। बस वो कमानी उठाते वक्त आप देखना, खुद ही देख लेना आप, देखो काम करते करते कुछ ना कुछ तो होता ही है। दोस्तों ये जो हम रकाब खोल रहे हैं, इतनी सीज खुली, मैं आपको बताता हूँ रकाब मतलब कैसे मतलब फिट करनी चाहिए, वो भी सब आपको बताता हूँ। मतलब ये देखो, ये तो चक्के खोल रहे हैं, चलो ये रकाब दोस्तों इतनी सीज खुली, जो मेरे भाई हैं मतलब जो काम करते हैं, रकाब खींचते हैं डालते हैं। तो दोस्तों जब रकाब आप मतलब खींचते हो ना, तो उसमें अंदर भोगली डाल लो यू बोल्ट के अंदर, और वो भोगली इतनी डालो कि नट सिर्फ बराबर बराबर आए। कई क्या करते हैं, एक भोगली डाल दी, नट खींच देते हैं ऊपर तक, और वो 3-4 चूड़ी यू बोल्ट नीचे तक निकल जाता है। तो क्या होता है, उस पर ना मिट्टी लग जाती है, एमरी बन जाती है। जब वो खोलते हैं तो ये देखो कैसे खुल रहा है, वो खोलते हैं तो टाइट बहुत खुलता है, तो वो दोस्तों सीज हो जाता है नट। सीज होने का मतलब है बहुत बहुत टाइट खुलता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये इधर भाई चक्के खोल लिए हैं, और चक्के खोल के धोने लग रहे हैं। और मैंने भाई को कह दिया था ये पट्टा ले जाओ, पट्टा टूट रहा है, ये पट्टा आप ले आओ, मैं मिला दूंगा। तो ये भाई पट्टा भी ले आया है, और मैंने अंदर रखवा लिया है। रखवाने के बाद इसकी कमानी भी मतलब सारा काम इकट्ठा खोल के अंदर ले जाएंगे। और इधर डंडा भी अपना जो एक्सल है वो भी दोस्तों खुल गया है, इसको भी अंदर लेके चलते हैं। ऐसा है ना दोस्तों, जब गाड़ी आ जाती है ना तो फटाफट उसे निपटाने ही करते हैं, हमारा दिमाग ऐसा है, बस गाड़ी आई है तो निपटाओ। ये देखिए दोस्तों जो एक्सल है, मतलब यहाँ से पूरा आगे से लेके और पीछे तक पूरा क्रैक है, ये नीचे पत्ती लगी हुई है, ये देखो इधर से भी क्रैक है और ऊपर से तो है ही है, और ये सारा मतलब पूरा यू शेप में पूरा क्रैक है ये। मतलब देखो ये अब ये चीज़ें देखते नहीं, अब इनको पता कैसे चला वो भी आपको बताता हूँ। वो जो क्रैक है ना दोस्तों, उसके अंदर से पानी चला गया, पानी जाने के बाद उसमें मतलब ग्रीस में चला गया, वो एमरी बन गई, ग्रीस भी खराब होगी। देखो एक्सल अगर क्रैक होगा ना तो वो दिक्कत हो जाती है। और इधर भाई हम पिन निकाल रहे हैं, और विपिन चोट मार रहा है, और झूले भी हम फटाफट बाहर निकालेंगे। झूले बाहर निकालने के बाद इसमें फिर अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों मतलब इसमें ना सारा काम, ये पिछली जो दो कमानियाँ हैं इनके भी सेंटर बोल्ट टूटे हुए हैं, मतलब सारा ही ना डिसबैलेंस हुआ हुआ है इस गाड़ी का काम। दोस्तों मैंने ड्राइवर साहब से पूछा था, तो ये चल रहा है दिसंबर का महीना है ना, तो ये ड्राइवर साहब मुझे बता रहे हैं कि पिछली होली पे काम हुआ, तो पिछली होली का काम होने का मतलब है दोस्तों, एक तो ये जो होली गई थी, और इससे पिछली लगभग 1.5 से 1.75 साल। तो दोस्तों इतना टाइम निकलेगा तो देखो गाड़ी का सारा काम तो डिसबैलेंस निकलेगा ही, सब कुछ टूटेगा भी, क्रैक भी होगा, बैरिंग वगैरह सब, चक्के वगैरह सब ख़त्म निकलेगा। अब आप ये देखो, ये जो झूले निकले हैं, मतलब ये इनके हल्के हल्के बुश भी कटे हुए हैं, लेकिन चलो। और भाई ने पट्टा भी खोल दिया विपिन ने, और एक्सल का भी आपको दिखाता हूँ, आइए। तो ये देखा दोस्तों आपने, मतलब कितना मतलब ऊपर से डंडा पत्ती नीचे लगाने के बाद भी डंडा ये क्रैक है ऊपर से,
चलो इसे करते हैं मिग वेल्डिंग, तो दिखाता हूँ आपको, आइए। तो ये दोस्तों इधर विपिन ने कमानी भार मैंने डलवा दिया इसमें सेंटर बोल्ट, पिछले जिसका एक्सल हमने खोला है तो दोनों सेंटर बोल्ट टूटे हुए थे। बस देखो ऐसा अटका हुआ काम करने में भी बड़ा मज़ा, अलग ही मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ फंसी हुई होती है ना, ये अब घुमा घुमा के सेंटर बोल्ट अजीब तरीके से ही टाइट कर रहा है। मैं कर दे फटाफट, मैं बैठा हूँ तो कर दे दोनों सेंटर बोल्ट डाल के, क्योंकि दोस्तों बाहर का काम, जो गाड़ी हमने बाहर लगा रखी है ना, अंदर गाड़ी दूसरी खड़ी थी तो इसलिए टाइम नहीं लगा अंदर लगाने का। तो इसको ये है कि बाहर का काम फटाफट निपटा दें, अंदर तो वेल्डिंग का काम बाद में निपटा देंगे। इनके दोनों झूले मतलब तीनों कमानी ये चीज़ सेट कर दें, फिर वेल्डिंग का काम रह जाएगा, बस झूले और डंडा वेल्डिंग करके फिर इसमें फिट करेंगे। और कमानियाँ दोस्तों फिट हो रही हैं, तो ठीक है दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में और कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और इधर चक्के भी बिल्कुल धुल रहे हैं। तो दोस्तों इधर ये जो मेरा मिग रोल था वो ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों वाक्या क्या हुआ सारी चीज़ बताता हूँ आपको दोबारा, मतलब जो मिग रोल था वो मेरा ख़त्म हो गया था। चलो मैंने मिग रोल ला के लगा दिया, अब मिग रोल लगा दिया तो इसके बाद मेरा वेल्डिंग दोबारा रुक गया। वो वेल्डिंग रुका क्यों वो भी बताऊँगा आपको। सारा मिग रोल ले आया, मेरा मिग रोल ख़त्म था, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा डंडा वगैरह एक्सल वेल्ड करेंगे। मैंने मिग रोल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाने के बाद दोस्तों जब थोड़ा सा वेल्डिंग करूँगा आपको आगे पता चल जाएगा। इसका दोस्तों जो CO2 गैस से चलता है ना मिग वेल्डिंग, वो CO2 गैस थोड़ा सा वेल्ड करने के बाद वो CO2 गैस ख़त्म हो गई। अब होता क्या है, CO2 गैस हमारे यहाँ पर जो सिलेंडर आते हैं ना CO2 गैस के, मतलब वो सुबह सुबह ही आते हैं, जब भी आते हैं 10 बजे से 11 बजे तक, और अब टाइम हो चुका है कम से कम भी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, सिंपल वेल्ड से वेल्ड कर देंगे। और इधर ये दूसरे वाला झूला भी हमने निकाल लिया है, और विपिन कह रहा है एक बार ये सारी चीज़ खोल के अंदर ले चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जो टाइम से निपट जाए काम वही बढ़िया। तो इनके पिने वगैरह तो दोस्तों बिल्कुल सही हैं, सिर्फ ये झूले हैं ना आगे से फटे हुए हैं। अभी आपको झूले खोल निकल जान तो फिर आपको दिखाता हूँ इसमें सपोर्टें लगानी है। तो ठीक है दोस्तों कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों झूले दोनों खुल गए हैं, ये विपिन दोनों झूले अंदर ले आया है, और ये देखिए इनकी सपोर्टें जो टूट रही है, जहाँ पर कमानी के पट्टे रुकते हैं ना, जहाँ पर लोड आके रुकता है कमानी के पट्टों के ऊपर, तो दोस्तों दोनों झूलों के वो टूटे हुए हैं। और मेरा हो रहा है लंच का टाइम, तो मैंने विपिन को कहा, मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, तो मैं तुझे नाप करना ये प्लेटें काट देता हूँ इसकी, तो जिससे काम नहीं रुकेगा। दोस्तों मैं जब खाना खाने जाऊँगा तो मेरे पीछे से वेल्डिंग कर देगा, तो देखो काम रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। देखो खाना भी खाना है, मैंने इसे भी कहा तू भी खाना खा के इसे को वेल्ड कर दियो। अब मैंने कहा चलो खाना तो खाना ही है, प्लेट मैंने उसको काट के दे दी हैं, तो जो पट्टा आया था वो पट्टा भी मैं मिला के जा रहा हूँ। तो ऐसा ना दोस्तों जो मेरे हाथ का काम है ना वो मैं करके जाता हूँ, अगर लंच पे जाना है मुझे, तो ये ना हो मैं अब बिना करे चला जाऊँ और वो पीछे से परेशान हो, अभी भैया पट्टा भी रह रहा है और ये भी रह रहा है। तो मेरा दिमाग ऐसा है कि सारे काम मैं करके जाऊँ, जिससे कि मैं खाना खाने जाऊँ तो उसको बाद में परेशानी ना हो। देखो जो मेरे हाथ का काम है वो तो मैंने ही करना है, तो मैंने पट्टे मिला दिए हैं, पट्टे मिलाने के बाद वो कमाने भी बांध लेगा और इसको वेल्डिंग भी कर देगा। ये मैंने सपोर्टें काट के इसके अंदर रख दिए हैं और ये अब वेल्डिंग कर देगा बढ़िया। और ये जो मिग रोल मैंने स्टार्ट करा था उसकी ये तार इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे भाई मिग रोल चलाते हैं वेल्ड करते हैं उनको पता होगा ये जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो मैं इसको बस टांके लगा के ना दोस्तों, मतलब प्लेट पे जो मैंने प्लेट काट के सेट करके दिए हैं, तो इसको जहाँ पर टांके लग के देने हैं मैं इसको सेट करके दे देता हूँ, फिर ये वेल्डिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं इसे मैंने कहा मैं तुझे टांके मार के देता हूँ। ऐसा ना दोस्तों फिर भी देखो जो चीज़ है मेरी आंखों के सामने जो हो जाए ना वो हो जाए, चाहे ये भी ओके कर देगा, लेकिन फिर भी मुझे एक थोड़ी सी तसल्ली सी रहती है, अभी मैंने इसको ऐसे करके दे दिया, अब ये सेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई चीज़ आगे हो या पीछे ना हो जाए, वो थोड़ी सी गलती से ना हो जाए, फिर भी देखो हमारा देखना फ़र्ज है। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने प्लेट लगाई है, पांच सूत मोती प्लेट लगती है, पांच सूत मोटी मैंने टांके मार के रख दिए हैं। अब ये बाद में विपिन वेल्डिंग कर देगा बढ़िया। और ये अब मैं चला गया हूँ खाना खाने के लिए, तो ये विपिन खाना खाने के बाद लग गया इसे वेल्डिंग करने, तो इसको तो वेल्डिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो, और आप जो इतने बढ़िया बढ़िया दोस्तों कमेंट करते हो वो भी हम कमेंट सेशन स्टार्ट करते हैं, जो आपके सवाल जवाब हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, मैं एक्चुअली चला गया था, मुझे मैरिज में जाना था, मुझे शादी में जाना था, तो मैं फैमिली के साथ शादी में था, तो मुझे कल का दिन तो पूरा टाइम नहीं लगा। आपको पता ही है कि अगर फैमिली के साथ कहीं आना जाना हो तो देखो उस टाइम मैं वीडियो कैसे डालूं, मेरे पे टाइम नहीं होता। तो मुझे मैसेज भी बहुत भाइयों के आए कि सर आज आप कहाँ हो, मैसेज मतलब उसके थ्रू से उन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वीडियो में ही आपको जवाब दूंगा। देखो अब इतने मैसेज आते हैं, मैं किस किस भाई का जवाब दूंगा। तो चलो खैर कोई बात नहीं, जो आपका इतना प्यार है, इतना बना रहे, वही बहुत है। और ये बस मैं खाना खाने के बाद आके मैंने चेक करा, तो थोड़ी सी वेल्डिंग जो था दोस्तों, मैं सिंपल वेल्ड से ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ। मैं जब खाना खाने गया तो विपिन का फ़ोन आ गया, कह रहा है भैया CO2 गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। मैं कह यार, वो ऐसा होता ना कभी कभी दोस्तों, जो काम करते रहो ना, बस वो एकदम ही ऐसा होता है, बस जिसकी तमन्ना नहीं होती ना, मतलब तमन्ना नहीं, जिसका सोचा नहीं होता तो वो काम हो जाता है मतलब। तो मैंने इसे कहा तो कोई बात नहीं, अपने पास वेल्डिंग दूसरा है तो उससे वेल्ड करना स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये एक झूला, ये देखो वेल्डिंग करने के बाद विपिन ने ऊपर टांग दिया है और इसका पट्टा भी डाल दिया है। गाड़ी बस हल्के हल्के कंप्लीट हो रही है और ओके है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरा झूला भी जो हमने वेल्डिंग करके इसको भी कंप्लीट कर दिया है, ये भी हम फिट कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद बस इसके बाद इनकी कमानियां सेट करेंगे, उसके बाद इसका डंडा जो क्रैक था तो दोस्तों वो भी वेल्डिंग किया जाएगा, वो वेल्डिंग करके बस नीचे फिटिंग करेंगे। तो कंटिन्यू रखिए दोस्तों इस वीडियो को, और आगे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा विपिन के ना हल्की सी हाथ पे, हल्की क्या मतलब लगी जाती है। देखो हमारा काम ही ऐसा है, तो देखो जब काम करते हैं तो चोट वगैरह तो लगी जाती है। अब गलती थोड़ी सी विपिन की रही, थोड़ा सा हल्का ढीला हाथ डाल लिया उसने, तो हाथ उसका आगे ही बताने में कोई मज़ा नहीं आएगा, आप खुद देखना इसमें वीडियो में। तो ये हमने झूला लगा दिया है, इसके बाद हम कमानी टांगेंगे, ये जो कमानी हमने रेडी के ऊपर रखी हुई है दोस्तों। और आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, कमेंट पढ़ने से पहले एक बार दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए हमने झूला बिल्कुल ओके वेल्डिंग करके टांग दिया है। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इसे, और इसको अब हम चढ़ाएंगे। और अब आप देखना ये भाई का हाथ आया कैसे, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, आप देखिए। तो आपने देखा दोस्तों, देखो वो सेंटर बोल्ट के ऊपर झूले के ऊपर रखनी थी कमानी, अब मैंने इधर की साइड करी तो उसका हाथ ढीला पड़ा या क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप खुद देख के मुझे कमेंट करके बताना, मुझे खुद नहीं पता लगा, उसे भी पता नहीं लगा। तो कह रहा भैया मेरा हाथ बच गया, बस पता नहीं क्या हुआ, बस आ गया अंदर, अगर हड्डी हल्की सी आगे पीछे होती ठीक है, उसका हाथ हल्का सा सूज गया वहाँ से। देखो लोहा लोहे के बीच में अगर हाथ आ जाता है तो वो पता ही आपको कैसा है। देखो अब हमने काम ही ऐसा सीखा है, तो दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत तो चोट वगैरह लगती रहती हैं, उस दिन मेरे हाथ पे भी लगी थी, आज इसके पर चलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले का साथ चाहिए। तो ये हमने एक्सल इधर गला कर स्टार्ट कर दिया है वेल्डिंग करना, तो आइए आपके दोस्तों कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने सब्सक्राइबर हैं शौंकी PV90, ये लिखते हैं पाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा कमेंट करने वास्ते। और अगले हैं अपने प्रकाश अहिर जी, क्या तारीफ करूं पाजी, कोई शब्द भी नहीं है, बहुत ही चंगा काम किया पाजी, रब रखा वाहिगुरु दी मेर सदा बनी रहे। सर जी प्रकाश सर जी इतनी मत तारीफ करा करो, मैं काम करने जोगा, मैंने छड़ना नहीं तुसी। चलो मजाक तो एक पासे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा कमेंट करने वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और अगले हैं अपने अंकुर बोरा, नाइस वीडियो सर जी, आपका वीडियो में बहुत नॉलेज मिलती है, ऐसे और वीडियो बनाते रहें। बनाते रहेंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे, आप भाइयों का लोगों का प्यार चाहिए बस और कुछ नहीं, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें बस, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगले हैं अपने मिलन डेका जी,
पाजी क्या ही बताएं, आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पाजी आपका हर वीडियो बहुत अच्छा है, गुड जॉब पाजी। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई, आप भाइयों का ही बस प्यार चाहिए, काम भी होता रहेगा और वीडियो भी बनती रहेंगी। और अगले हैं अपने अजय पाल सिंह गरेवाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। जी करता है तुहाडे कोल आके खुद वन ऑन वन काम वेख लिए, सुपर वीडियो। आओ जी, मोस्ट वेलकम, जदों मर्जी आओ सर, जदों मर्जी आओ, वेखो भी काम, बैठो भी, चाह पानी ठंडा सब कुछ खुआवा पियावे, आ जाओ महाराज, ये भी गल है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मैसेज करने वास्ते सर। और अगले हैं अपने महबूब शेख जी। वेरी नाइस पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद महबूब भाई आपका मैसेज करने के लिए। और अगले हैं अपने राहुल यादव जी। सस्वाद पुणे से मैं राहुल यादव रोमान। पाजी यस, फ्रंट एक्सल दबाते टाइम टूटता क्यों नहीं, क्या वो लचीला होता है? राहुल भाई लचीला नहीं होता, मतलब जितनी लंबी चीज़ होगी ना वो, मतलब ये कोई ऐसा हार्ड लोहा नहीं होता, नरम भी नहीं कह सकते, इसे हार्ड भी नहीं कह सकते। हार्ड होगा तो एकदम कंच कितना दबाते ही टूट जाएगा वो। ये हल्का सा नरम ही लोहा होता है, मतलब इतना भी नरम नहीं कि वजन सह के एकदम मुड़ जाए, वजन सहते ही। ये मतलब जो होता है एक्सल, ये दबाते हुए टूटता नहीं है, कई टूट भी जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में दो, मतलब एक एक्सल टूटा है रियर एक्सल, पिछला यही वाला जो हम डंडा वेल्डिंग कर रहे हैं, और एक बार हमारे से टूटा था, कोई हो गए 14-15 साल पुरानी बात, फ्रंट एक्सल हमने इतना दबा दिया था वो टूट गया। लेकिन तब से ही हमने अपनी प्रेस पे लिखा हुआ है भी कोई भी चीज़ टूटने की गारंटी ग्राहक की होगी। और इधर ये वेल्डिंग हो गया है दोस्तों, डंडा बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको बता रहा था राहुल यादव जी की बात में कि जो एक्सल होता है दोस्तों टूट जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं टूटते, लेकिन दबाने दबाने का हिसाब होता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक्सल टूट जाए, कभी कोई हो गया 2-4 साल में कोई लोहे में ही कोई फर्क आ गया तो टूट जाता, नहीं तो टूटता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर आपका मैसेज करने के लिए। अगले हैं अपने अनिल कश्यप जी। भैया जी मैंने सेकंड हैंड टाटा 709 LPT ली है, बट वो फ्रंट से एक साइड को झुक रही है, क्या करें? तो अनिल जी, आप जो आपने गाड़ी ली है एक साइड झुक रही है, देखो उसके कई सारे रीज़न होते हैं, तो 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो सीधी सी बात है, कमानी में देखना पड़ेगा, कहीं कमानी कम ज़्यादा तो नहीं है, या आपकी गाड़ी में कहीं झटका तो नहीं लग गया जिधर झुक रही है, और आपकी जो बॉडी है वो बॉडी में फ़र्क ना हो। अगर कमानी बिल्कुल सही है और बॉडी में फ़र्क होगा तो गाड़ी आपकी 101% झुकेगी। ये तो अब आपकी गाड़ी देख कर ही पता लग सकता है सर, कोई अच्छे मिस्त्री को दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सर आपका मैसेज करने के लिए। अगले हैं अपने शुभम गोयल जी। पूरे काम के खर्चा भी बताएं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सवाल करा सर। अब सर पूरे काम के मैं खर्चे आपको कैसे बताऊं, मुझे तो कोई समझ नहीं आता। देखो अब ये जो गाड़ी है इनका हम काम कर रहे हैं, पूरे काम के मैं खर्चे चलो बता देता हूँ आपको। ये जो हमने इनका डंडा भी एक्सल भी करा है, कमानी भी हुई है और झूले भी, लगभग इनमें 8 से 10 हज़ार रुपये इनका खर्चा आ गया भाई का, उसमें मतलब सारा कुछ लेबर वेल्डिंग और झूले वगैरह सपोर्ट जो भी है, 8 से 10 हज़ार रुपये लगभग इतना आ गया, काफ़ी खर्चा हुआ इनका। देखो काम बहुत ख़राब था इनका। तो दोस्तों ऐसा है ना, यहाँ खर्चा कुछ है, आपकी स्टेट में खर्चा कुछ होगा, तो हर स्टेट का अपना अपना हिसाब है, 500 हज़ार ऊपर नीचे तो हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई ये क्वेश्चन करने के लिए आपका। और अगले हैं अपने शहजाद खान। लाजवाब काम किए हो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ऐसा ही लाजवाब आप हमें कमेंट करते रहिए और हम आपको काम बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे सर। तो ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, जो आपने इतना प्यार से कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी दुआओं देने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, और अब आपको मैं ड्राइवर साहब से मिलवाता हूँ, आइए। तो ये बैठे ड्राइवर साहब अपने, कितना टाइम हो गया ड्राइवर साहब इसे काम कराए को? साल भर तो हो गया हो, तभी काम ऐसा निकला सारा टूटा हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना ड्राइवर भाई से कि कितना टाइम हो गया, साल भर कह रहे हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता साल का, साल से भी ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया इन्हें।
तो देखो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप देखो गाड़ी चलाते हो, रोजी रोटी है तो इसको चलाइए, लेकिन इसको काम भी उसी हिसाब से देखो। कोई भी चीज़ है, सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे तो सही होगा, नहीं तो इनकी तरह भुगतना पड़ेगा सब कुछ। तो बस दोस्तों, इनके अब तवे के बोल्ट खींच रहे हैं, उधर का तवा खींच दिया है और बाद में इनके जो हब हैं वो हब भी फिट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है आप इस वीडियो में, कंटिन्यू रखिए इसे। तो लीजिए दोस्तों, इनके भाई के हमने हब भी फिट कर दिए हैं, हब बिल्कुल ओके हो चुके हैं, ग्रीस वगैरह करवा दी है सब कुछ। तो मैंने भाई को कहा, मैं कहा 8 से 10 महीने, लगभग 7-8 महीने बाद ग्रीस वगैरह करा लिया करो, तुम्हारी रनिंग ज़्यादा है, लंबे चलते हो तुम। तो उससे क्या होता है दोस्तों, मतलब अगर जल्दी करा लेंगे तो सही निकलेगा, बाद में फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे आज इनके साथ हुआ, सब कुछ ख़राब निकला, 2 इनके चक्के के बैरिंग भी दागे निकले। तो ठीक है दोस्तों, और अब इनको भाई को बताते हैं कि टायर कैसे लगाने हैं, आइए। ये टायर बाहर लगाओ, ये वाला, ये बाहर लगेगा टायर, बोला ठहियो। हाँ इसे कर अंदर, ये अंदर ले। तो ठीक है दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल ओके है। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।